Good morning to everybody, and I welcome you all on behalf of Education Express Channel in the class of income tax. And the topic which we have already started yesterday, and that was income from other sources. हमने कुछ थ्योरी की बातें देखी थी, इसकी प्राइमरी बातें जो प्रैक्टिकल में काम आती हैं, और एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करने की कोशिश की थी और उसमें समझने का प्रयास किया था किस प्रकार से हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बातों को टेकअप कर सकते हैं. वे इनकम जो कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं हो सकती हैं, ना तो सैलरी में, ना हाउस प्रॉपर्टी में, ना बिजनेस में, ना कैपिटल गेन में, वो सारी इनकम फिर यहाँ पर बची हुई होती, वो टैक्सेबल होती हैं. उन सभी को यहाँ पर टैक्स किया जाता है. और उसमें प्रोमिनेंट बातें हमने कल कुछ की थी कि डीम्ड इनकम क्या होती है, और दूसरी बात ये थी कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पर जो इनकम होती है वो इसमें टैक्सेबल होती है. हाउस प्रॉपर्टी को यदि सब लेट आउट करते हैं तो वो इसमें टैक्सेबल होती है. यदि कोई भूमि या संपत्ति, मशीनें, प्लांट इत्यादि किराए पर दी जाती हैं तो उनको भी हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल मानते हैं. ये कल एक कुछ बातें थी जो हमने संकेत के रूप में आपको बताई थी. आज कुछ और थ्योरी की बातें करते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन को टेकअप करते हैं. इसमें इम्पॉर्टेंट बातें आपके सामने प्रेजेंट हैं. उसमें पहली बात है इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन, कमीशन पेएबल टू एन इंश्योरेंस एजेंट, बीमा एजेंट को देई कमीशन. और देई कमीशन यदि 15,000 से अधिक है तो उस पर TDS होगा, अदरवाइज नहीं होगा. 15,000 या 15,000 से अधिक की राशि होगी तो उस पर TDS काट करके और बाद में एजेंट को कमीशन दिया जाएगा. और यदि 15,000 से कम राशि है उसके कमीशन की तो फिर TDS नहीं काटेगी कंपनी, और सीधा जितना अमाउंट बनता है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा. पहली बात. दूसरी बात, जो बीमा एजेंट को कमीशन मिलता है उसमें कटौती भी उसे प्राप्त होती है, और कटौती डिडक्शंस इस प्रकार से प्राप्त होता है. यदि जो बीमा किया है किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का, तो पहली बार जो कमीशन मिलता है उस कमीशन का 50% डिस्काउंट डिडक्शन आपको दिया जाएगा. यदि बीमा करने के बाद पहली बार उस बीमे की राशि का कमीशन प्राप्त हो रहा है तो पहली बार पर प्राप्त कमीशन पर 50% की रेट से डिडक्शन दिया जाएगा. और पहली बार के बाद अन्य बार कमीशन मिलता है, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष इत्यादि, या रिन्यूअल पर कमीशन मिलता है तो कमीशन प्राप्त राशि का 15% डिडक्शन दिया जाएगा. दोनों की रेट अलग अलग है. 50% यदि पहली बार कमीशन मिल रहा है जिसका बीमा किया है, उस पार्टी से जो बीमा की राशि जमा हुई थी उसका कमीशन पहली बार प्राप्त हो रहा है तो कमीशन का 50% डिडक्शन होगा. यदि पहली बार के बाद दूसरी, तीसरी और अन्य बार कमीशन प्राप्त होता है तो इस स्थिति में प्राप्त कमीशन का 15% डिडक्शन होगा. परंतु यदि ये अलग अलग पता नहीं लग सके कि पहली बार कमीशन कितना मिल रहा है और दूसरी, तीसरी बार कमीशन कितना मिल रहा है, एक बार इकट्ठा अमाउंट दे दिया इतना कमीशन मिल रहा है, उसमें ये नहीं पता रखा कि पहली बार कितना और दूसरी, तीसरी बार कितना, तो ऐसी स्थिति में कमीशन का 1/3 या 33.3% कमीशन का 1/3 अथवा 33.33% कटौती के रूप में दिया जाएगा. तो तीन शर्तें हैं कटौती की, इसका मतलब बीमा एजेंट के कमीशन की. पहली शर्त यह है कि यदि
जिस पार्टी का बीमा कराया गया है उस पार्टी से पहली बार कमीशन मिल रहा है तो प्राप्त कमीशन का 50% की कटौती देंगे। दूसरा, यदि पहली बार के अलावा अन्य बार कमीशन मिल रहा है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी दसवीं बार कमीशन मिल रहा है तो इस स्थिति में कमीशन की राशि का 15% डिडक्शन दिया जाएगा। दोनों पर कमीशन की डिडक्शन की रेट अलग अलग है, 50% और 15%। परंतु यदि कभी प्रश्न में ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों की अमाउंट अलग अलग नहीं दी गई हो, 50% की अमाउंट अलग नहीं है और 15% की अमाउंट अलग नहीं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंबाइंड है, दोनों का टोटल एक साथ दे दिया, तो ऐसी स्थिति में आपको कमीशन, प्राप्त कमीशन का 1/3 अर्थात 33.33% आपको कमीशन के का डिडक्शन मिलेगा। परंतु इसकी ओवरऑल लिमिट भी बताई गई है कि टोटल जो कमीशन प्राप्त होगा वो उस पर डिडक्शन 20,000 रुपये तक सीमित है। 20,000 से डिडक्शन ज़्यादा नहीं मिल सकता, 20,000 से कम तो कुछ भी हो सकता है, परंतु दिस कैन नॉट बी मोर देन ₹20,000 इन एनी केस। किसी भी स्थिति में 20,000 रुपये से ज़्यादा की राशि का डिडक्शन बीमा एजेंट को प्राप्त नहीं होगा उस राशि पर जो कमीशन के रूप में उसे प्राप्त हुई है। क्लियर होगी बात? आइए उसके बाद NSS नेशनल सेविंग्स स्कीम, इसमें पैसा जमा कराया जाता है NSS में और फिर पैसा ब्याज सहित आपको प्राप्त होता है। तो यदि प्राप्त ब्याज NSS पर 2,500 रुपये तक है तो उस पर TDS नहीं होगा। TDS तभी होगा NSS के ब्याज पर जब राशि 2,500 रुपये या उससे अधिक है। TDS NSS के ब्याज पर तभी लिया जाए जबकि प्राप्त ब्याज 2,500 और या उससे अधिक हो, उससे पहले TDS नहीं होगा। और यहाँ पर TDS की रेट है 10%, ध्यान रखिएगा। सकल करना हो तो 100/90 इंटू इंटरेस्ट जितना होता है 3,000-4,000 जो अमाउंट होता है उसे गुणा करते हैं, सकल प्राप्त हो जाएगा। बस समझ में आ गई, ये है NSS के लिए। अब है NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी एक बचत का तरीका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। NSC आपने खरीद रखी हैं, अलग अलग वर्षों में अलग अलग होती है इसकी स्कीम और ब्याज की दर भी अलग अलग होती है, कोई निश्चित ब्याज की दर नहीं है इस पर NSC पर। अभी 9वां या 11वां इशू चल रहा है इस समय। इसमें जो ब्याज होगा वो हर 6 महीने बाद प्राप्त होता, एक्रूड होता है, प्राप्त नहीं होता, ध्यान रखिएगा, एक्रूड होता है, प्राप्त नहीं होता, पेबल होता है। अर्थात वो ब्याज ड्यू हो गया और आपके खाते में जमा हो जाएगा और फिर ब्याज पर ब्याज मिलता रहता, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है इसमें NSC में, ध्यान रहे, NSC में चक्रवृद्धि ब्याज होता है, क्योंकि ब्याज की राशि हर 6 महीने बाद आपके अकाउंट में लिख दी जाएगी और ब्याज की मूलधन बढ़ जाएगा और फिर उस पर ब्याज मिलेगा। अर्थात ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज मिलता चला जाएगा, 6 वर्ष के बाद आपको पूरा ब्याज सहित पैसा मिल जाएगा। परंतु इनकम टैक्स हर वर्ष इसके ब्याज पे जितना ड्यू हो गया है प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पहले मैंने स्पष्ट कर दिया, ब्याज तो कुल ब्याज और मूलधन जब ये मैच्योर हो जाएगी, 6 वर्ष की अवधि पूरी हो जाएगी तभी प्राप्त होगा आपको, अभी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, एक्रूड हर साल होगा, तो एक्रूअल बेसिस पर ब्याज के उस पर टैक्स हर साल लगता रहेगा, जितना ब्याज एक्रूड हुआ है, पेबल हुआ, जितना ड्यू हो गया उस ब्याज पर टैक्स लगता रहेगा हर साल।
ठीक है, परंतु एक बात और ध्यान रखने की है इसमें। मान लीजिए प्रश्न में उसने ये कहा है कि बैंक जो है वो कमीशन ले रहा है, जो ब्याज आपको आपके खाते में जमा हो रहा है तो उसका लेन देन करने के लिए बैंक कमीशन लेता है, मान लो 5% उसने बताया, तो 5% कमीशन बैंक को मिलेगा। पर बैंक को कमीशन कब मिलेगा? जब आपको धनराशि प्राप्त होगी तब। मान लीजिए आज आपने खाता खोला NSC का, हर साल उसमें पैसा जमा कराते आ रहे हैं, तो आज के 5 साल 6 साल बाद, मतलब 2006 साल जोड़ दें, 21 में 2027 में पैसा मिलेगा ब्याज सहित, तो बैंक उस समय ब्याज कलेक्ट करेगा तो कमीशन 2027 में देगा। हर साल कमीशन नहीं होगा, केवल ब्याज एक्रूड होगा इनकम टैक्स में जोड़ने के लिए, परंतु बैंक कमीशन उस पर नहीं लिया जा सकता। बैंक कमीशन मिलेगा ओनली व्हेन दी NSC इज मैच्योर्ड, जब पूरी परिपक्व हो जाएगी, जब उसका पेमेंट मिलेगा तब ब्याज मिलेगा, और तो ब्याज का कमीशन, ब्याज की राशि पर कमीशन बैंक तब लेगा, उससे पहले नहीं। ये ध्यान रखने की बात है। पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ एग्जेम्प्टेड, यदि किसी व्यक्ति ने अपनी गंभीर बीमारी के कारण, जिसको जो कि बिल्कुल मौत के कगार पर है, मृत्यु के किनारे पर है, और उस समय यदि वो कोई गिफ्ट करता है किसी को, चाहे वो रिश्तेदार हो या चाहे कोई और पार्टी हो, चाहे रिश्तेदार नहीं हो, परंतु यदि कोई गिफ्ट करता है मृत्यु की संभावना के कारण कि भाई मेरा अब आखिरी समय आ गया है, मान लीजिए इंसान बुढ़ापे में कई बार गिर पड़ जाता, ख़ास तौर से बाथरूम वगैरह में, तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अभी कुछ समय पहले जसवंत सिंह जी की डेथ हो गई, जो मिनिस्टर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में, तो वो गिर गए बाथरूम में, गिर गए तो सिर में चोट लगी, कोमा में चले गए, 6 साल तक कोमा में रहे। अभी कुछ समय पहले उनकी डेथ हो गई, 6 साल तक बल बिस्तर में पड़े हैं एक मृत व्यक्ति की तरह, ना हिलना, ना डुलना, ना खाना, ना पीना, ना उठना, ना कुछ नहीं, नथिंग, नो मूवमेंट। तो यदि ऐसी स्थिति हो जा रही, ऐसे समय यदि कोई इंसान मृत्यु के समय किसी प्रकार की कोई गिफ्ट करता है, तो वो गिफ्ट चाहे किसी को भी करे, रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार हो, गिफ्ट करता है, तो इस स्थिति में वो गिफ्ट एग्जेम्प्टेड होगा, कर मुक्त होगा, ध्यान रहे, एग्जेम्प्टेड रहेगा वो गिफ्ट, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट इज ए वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज। प्रतिभूतियाँ जिन पर कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करके उस पर ब्याज की इनकम प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रतिभूतियाँ कहते हैं। प्रतिभूतियाँ दो प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, सरकारी और गैर सरकारी, और ये भी दो प्रकार की होती हैं दोनों, टैक्सेबल और टैक्स फ्री। टैक्सेबल का मतलब होता है कि जिस पर टैक्स उस व्यक्ति को देना है कि जिसकी की जिसके नाम वो प्रतिभूति है, ठीक है, वो कहलाती है टैक्सेबल। और कर टैक्स फ्री होती है कि वो प्रतिभूति जिस पर टैक्स जो बनता है वो फ्री होगा, टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ यदि ऐसी हैं टैक्स फ्री, तो उसका टैक्स आपको नहीं देना है, बस समझ में आ गई। परंतु यदि कोई नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टैक्स फ्री है तो उसको सकल करना पड़ेगा। क्या मतलब होता है सुन लीजिएगा बड़ा सावधानी से, क्योंकि यहाँ गलतियों की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी, डिटेल में समझ लीजिएगा इसको अच्छी तरह।
securities interest on securities प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज, ये दो प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से, गवर्नमेंट सरकारी, नॉन गवर्नमेंट गैर सरकारी। फिर इनकी दो कैटेगरी होती है, टैक्सेबल और टैक्स फ्री। ये भी दो प्रकार की होती हैं फिर, टैक्सेबल और टैक्स फ्री। अब ध्यान से सुनिए, पहले गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, टैक्सेबल सिक्योरिटी गवर्नमेंट की है तो उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, इसमें कोई नई बात नहीं बन रही है। परंतु टैक्स फ्री सिक्योरिटीज है तो उस पर पूर्ण रूप से कर मुक्त है, उस पर टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा, नो टैक्स, नो ग्रॉस अप। ना उसे ग्रॉस अप करने की जरूरत पड़ेगी। ग्रॉस अप का मतलब जानते हैं, TDS को काट करके, वैसे ये होता है, मान लो 10% है तो 100/90 इंटू इंटरेस्ट ही होता है ग्रॉस अप का फॉर्मूला, तो ये लगाने की जरूरत नहीं होगी। परंतु यदि नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो टैक्सेबल है तो कोई बात नहीं, उस पर टैक्स आपको देना है। पर टैक्स फ्री है तो इस टैक्स फ्री का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये देखें, और ये जो भी होंगे उन्हें ग्रॉस अप करना पड़ेगा अनिवार्य रूप से, टैक्स फ्री है तो। यदि नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टैक्स फ्री हैं तो चाहे ब्याज की राशि दे या प्रतिशत में लिख दे, 10% ब्याज है, 2% ब्याज है, 8% ब्याज है, कुछ भी लिख दे, तो आपको उसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा। क्या मतलब होता है इसे समझ लीजिएगा। टैक्स फ्री का मतलब ये होता है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कि इस पर टैक्स जो सिक्योरिटीज़ का मालिक है, जो स्वामी है, उसको नहीं देना, पर टैक्स देना ज़रूर है। अब किसको देना है इसका मतलब, ना जिसने टैक्स सिक्योरिटीज़ इश्यू की है वो टैक्स देगा। जैसे मान लीजिएगा कि टाटा कंपनी के नाम तो जानते हैं, इसलिए मैंने टाटा का नाम लिखा, टाटा कंपनी ने एक्स को 1,00,000 रुपये के डिबेंचर्स इशू किए, 10% डिबेंचर्स थे, अर्थात 1,00,000 पर 10% की दर से 10,000 ब्याज हुआ। बात समझ आएगी, ये टैक्स फ्री था, क्लियर होगी बात। इसका मतलब ये हुआ, इस पर जो टैक्स होता है 10,000 पर, क्योंकि 1,00,000 पर ब्याज 10,000 ब्याज बना, 10,000 पर ब्याज मान लीजिए 30% की दर से, 10% की दर से 1,000 रुपये ब्याज बना, इनकम टैक्स बना। इस इनकम टैक्स का पेमेंट एक्स नहीं करेगा, एक्स की ओर से टाटा कंपनी करेगी। ये टैक्स फ्री का मतलब यहाँ ये होता है, यहाँ पर अलग है टैक्स फ्री का मतलब, यहाँ तो टैक्स बिल्कुल देना ही नहीं, ना गवर्नमेंट देगी ना आप देंगे। यहाँ पर क्या है टैक्स फ्री में, नॉन गवर्नमेंट में, कि टैक्स तो देना है पर गवर्नमेंट नहीं, जो कंपनी इसके जिसने ये प्रतिभूति इशू की है वो देगी टैक्स, जो प्रतिभूति का मालिक है वो नहीं देगा। टाटा कंपनी ने एक्स को प्रतिभूति दी, इशू करी, प्रतिभूति का मालिक एक्स है, तो एक्स अपनी ब्याज की इनकम पर जो टैक्स बनता, मान लीजिए 1,000 टैक्स बना, तो एक्स पेमेंट नहीं करेगा, 1,000 का पेमेंट एक्स की ओर से टाटा कंपनी करेगी 1,000, तो इसके लिए तो टैक्स फ्री हो गया, इसको तो टैक्स नहीं मिल रहा, तो इसकी इनकम कितनी मानी जाएगी, 1,00,000 पर 10% ब्याज मिला, 10,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये
टैक्स इसका था इस पर जो इसने जमा करा दिया, ये 1,000 और 11,000 रुपये इसकी इनकम मानी जाएगी, ये ग्रोसअप करना कहलाता है। ध्यान रखिएगा इसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में, बस मुझ में आ गई आपको, ये कहलाता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का। इस टॉपिक में अधिकतर प्रश्न वो इसी पर होंगे, बाकी एक एक दो दो बातें किसी और पर भी ले लेगा, पर मुख्य रूप से प्रश्न इसी पर बनेंगे। ठीक है, आइए आज हम इन्हीं के माध्यम से एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं, और वो इलस्ट्रेशन नंबर है आपके, हाँ एक बात और रह गई है, ये पेज नंबर 571 पर देखिए, कुछ संस्थाओं के नाम दे रखे हैं, मिले ये 10-11 संस्थाएं दे रखी हैं, देखो 571 पर। हाँ सर, कहाँ है 571 पेज, कहाँ है 571 पर, आगे चल 73 पर, सॉरी ये नाम है। ठीक है, मिल गए। इन पर TDS नहीं होता है, ध्यान रहे, ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ ये 11 संस्थाएं हैं जिन पर TDS, इनके द्वारा इशू किए गए सिक्योरिटीज़ पर TDS कभी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा TDS नहीं होगा, इसलिए ग्रॉसअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर, जो इनसे संबंधित बातें हैं। रमेश सर, हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 6, आइए क्या कहता देखिएगा। वर्ष 19-20 वर्ष के दौरान रमेश के पास निम्नलिखित विनियोग थे। फर्स्ट 27,008% म्यूनिसिपल डिबेंचर्स, ये सरकारी हो गए, एक तरह की म्यूनिसिपलिटी गवर्नमेंट होती है। फिर 10,000 रुपये के 7% पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, ये भी गवर्नमेंट के हो गए। थर्ड 15,000 पर 10% गवर्नमेंट पेपर, ये नाम है संस्था का उसके। चौथा 36,000 टैक्स फ्री डिबेंचर्स ऑफ क्लॉथ मिल कंपनी, अब देखो टैक्स फ्री डिबेंचर हो गया प्रतिभूति, क्लॉथ मिल कंपनी का हो गया तो प्राइवेट हो गया, नॉन गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, ये टैक्स फ्री है तो इसे ग्रोसअप करना पड़ेगा क्योंकि नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई। हाँ देखिए इस तरह से ₹7,500 10% डिबेंचर ऑफ जयपुर स्पिनिंग मिल्स, ये भी प्राइवेट है परंतु टैक्स फ्री नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रहे, इसलिए ग्रोसअप नहीं करना है। फिर रखा नेक्स्ट ₹10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी आपके वो संस्था कोऑपरेटिव है। फिर उसके बाद ₹20,000 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट तो है पर इस पर आपको ब्याज प्राप्त नहीं हो रहा है, जो इनकम प्राप्त होती है वो कहलाएगी डिविडेंड, इस पर लाभांश प्राप्त हो रहा है। और कल आपको बताया गया था कि इंडियन कंपनी से प्राप्त लाभांश टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, कोई इनकम नहीं मानी जाएगी, इस पर ध्यान रखिएगा। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड क्योंकि इंडियन कंपनी का है तो डिविडेंड पर जो इनकम हो रही है डिविडेंड के नाम से वो टैक्स फ्री होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ यदि ये फॉरेन कंपनी होती तो इस पर टैक्स लगता है, इनकम के रूप में जोड़ दिया जाता है ब्याज लाभांश को। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, उपरोक्त विनियोगों पर ब्याज का भुगतान प्रतिवर्ष 1 जून और 1 दिसंबर को किया जाता है। सिक्योरिटीज़ पर ब्याज प्राय हाफ ईयरली होता है, ड्यू एक्रूड जो होता है हाफ ईयरली होता है।
लाभांश का भुगतान मई में किया था, साल में एक बार, ध्यान रहे उसका। 1 सितंबर 2019 को उसने 20,000 रुपये का 8% वाला यूपी सरकार का गवर्नमेंट का ऋण 20,600 रुपये में ख़रीदा, जिस पर ब्याज 31 दिसंबर को देय है। ब्याज है वो ये 2 तारीख को, 30 जून 31 दिसंबर को देय हो रहा। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, इस पर बात करेंगे। इस उद्देश्य के लिए उसने अपनी बैंक से 12,000 रुपये का ऋण 8% की दर से लिया, और इसलिए इसने इन सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने के लिए बैंक से लोन लिया, जिस पर 8% ब्याज दे रहा है। तो जो ब्याज हो की राशि होगी वो कटौती के रूप में स्वीकार की जाएगी, ठीक है। 12,000 रुपये का 8% जो भी ब्याज होगा वो कटौती के रूप में मिलेगा। बैंक ने 2% कमीशन ब्याज लाभांश वसूल करने के लिए तथा 1% कमीशन प्रतिभूतियां क्रय करने के लिए वसूल किया। अब देखिए, यदि बैंक कोई कमीशन लेता है ब्याज के संग्रहण करने के लिए, तो वो कटौती के रूप में अंत में दिया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। परंतु प्रतिभूतियों को लेन देन करने के लिए यदि कमीशन होता है तो वो कटौती के रूप में स्वीकार नहीं होगा, ध्यान रहे। फिर क्या कहता है, कपड़ा मिल कंपनी के ऋण पत्र, कपड़ा मिल कंपनी कौन सी भाई ऊपर है क्या, हाँ चौथे नंबर पर, उसकी बात कर रहा है। कपड़ा मिल कंपनी के ऋण पत्र बम्बई स्कंद विनिमय पर सूचित हैं, जबकि जयपुर स्पिनिंग मिल के ऋण पत्र किसी भी स्कंद विनिमय पर सूचित नहीं है। जयपुर स्पिनिंग मिल में जनता का सार्वान हित नहीं है, ये इसमें रखा। अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आय ये मानते हुए ज्ञात कीजिए कि ब्याज एवं लाभांश का भुगतान प्रत्येक दशा में खाते में जमा होने वाले चेक के द्वारा किया जाता है। जो भी ब्याज आपको प्राप्त हो रहा है प्रतिभूति पर या लाभांश प्राप्त हो रहा है अंशों पर, वो कंपनी आपको चेक से पेमेंट कर रही है, इसका कहने का मतलब है। और चेक बैंक में जमा होता है, बैंक में जमा होता तो बैंक को कमीशन देना है, कमीशन की कटौती देनी है आपको। बस समझ में आ गई, इसका मतलब ये हुआ। चलें, प्रश्न समझ में आ गया, अब आइएगा बात करते हैं इस पर वन बाय वन। इलस्ट्रेशन नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वन बाय वन देखिए, आराम से बना ली कॉलम, करें शुरू। सबसे पहले नंबर 1 पर 8% म्यूनिसिपल डिबेंचर्स चेक कीजिएगा, 27,000 पर 8% ₹27,000 8% म्यूनिसिपल डिबेंचर्स, 27,000 का 8% लें, 2,160 रुपये फाइनल कॉलम में लिखें, ठीक है। बैंक में पूरा पैसा जमा होगा 100%, 2,160 रुपये बैंक में जमा होंगे, क्योंकि बैंक का कमीशन हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान रहे।
ठीक है, तो अभी से एक कॉलम अलग से बना लें कि बैंक में कितना पैसा किसका जमा होगा, उसका कमीशन देना आपने, ठीक है, ओके। दूसरा, ₹10,000 7% पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड्स और ये है 10,000 × 7%, 700 रुपये फाइनल कॉलम में, और यहाँ पर भी 700 रुपये का इसका 90% ही होगा, 2160 का 90% कितना होता है, ऐसा करते हैं इसको परसेंटेज में लिखते हैं, इसको 90% बैंक में जमा होगा, इसका भी 90% बैंक में जमा होगा, इसका मतलब ये हुआ, जरा समझ लीजिएगा, 2160 का 90% निकालने कितना बनता है, 1944 रुपये बैंक में जमा होंगे इसके, बस मुझ में आ गई, TDS हो जाएगा वो, और हाँ नहीं वर्किंग बैंक में इतना ही जमा होगा इसका 90%, ठीक है। अब आइएगा नेक्स्ट, उसके बाद ये कहता है 10% गवर्नमेंट पेपर, 10% गवर्नमेंट पेपर, ये 15,000 का 10%, 1500 रुपये फाइनल कॉलम में, और इस पर 100% बैंक कलेक्शन होगा, अर्थात 1500 के 1500 रुपये बैंक में जमा होंगे, उसमें 1944 790% ले लें, 900 से 630, इसमें 630 जमा होंगे केवल बैंक में, तो बैंक में जो पैसा जमा होगा कमीशन उस पर लगेगा, तो हमें कमीशन जो लेना वो इस पर इतना लेना है, इस पर ध्यान रखिए, इस पर 1500 रुपये पूरे पर लेगा पैसा। चौथा, चौथा कहता है 10% टैक्स फ्री डिबेंचर्स, और ये है क्लॉथ मिल कंपनी, नॉन गवर्नमेंट हो गया, टैक्स फ्री है, तो ग्रॉस अप करना पड़ेगा, पहले ब्याज लें, और ये अमाउंट है इसका 36,000 × 10%, 3600, ग्रॉस अप करें, ये देखिए ग्रॉस अप, 3600 × 100/90, 9 × 36, 4000, 4000 होगा, 100/90, 9 × 36, 4000 होता है, ठीक है, 4000 मिलेंगे इसको, पर जमा होगा केवल 90%, क्योंकि TDS हो जाएगा इसका, 90% मिलेगा इसको। आइएगा नेक्स्ट, उसके बाद फिफ्थ, 12% डिबेंचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑफ कोऑपरेटिव, ओह चलो इसको ले लेंगे, इसमें ये लिख दिया कोऑपरेटिव का,
1200 रुपये। परंतु जमा होंगे इसके 1176, तो 90% कितना होता है इसका भाई? क्या सर? 1200 का 90% कितना होता? सर 10,800 रुपये। इसको अलग से ले लीजिएगा, अभी 1200 रुपये लिखने अलग से, और लिखें लेस कमीशन, बैंक कमीशन एट द रेट ऑफ 2%। माइनस 2400 रुपये घटा दें और बैंक में जाएंगे 1176, 10 4 6 9 7, यस 1176 इनकम में होगा। यहाँ पर बैंक में फिर कुछ नहीं होगा, कमीशन का कैलकुलेशन हो गया। छठा, उसके बाद आता है जो छूट गया वो लेते हैं 7500 का। हाँ सर। 10% डिबेंचर्स जयपुर स्पिनिंग मिल, जयपुर स्पिनिंग मिल ये राशि 7500 इंटू 10% तो 750 रुपये। फाइनल कॉलम में, और यहाँ पर इसको मिलेगा 100% पूरा अमाउंट। फिर उसके बाद सेवंथ, प्रेफरेंस शेयर्स 15% प्रेफरेंस शेयर्स, 15% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ब्याज नहीं है ये ध्यान रहे, डिविडेंड ब्रैकेट में लिखें एग्जेम्प्टेड एज इट इज इंडियन कंपनी, क्योंकि ये भारतीय कंपनी है, तो नील आ जाएगा दोनों कॉलम में डैश। ओके, अब देखिएगा क्या कहता है आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। 1 सितंबर 2019 को, डेट का ध्यान रखना। अब चलो आगे, 1 सितंबर 2019 को उसने 20,000 रुपये का 8% वाला यूपी सरकार का ऋण 20,600 रुपये में खरीदा। खरीदा कितने में हमें से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ब्याज जो होता है उसके अंकित मूल्य पर होता है, 20,000 पर ब्याज होगा 8%, 20,600 पर नहीं। ठीक है, 8% 1600 रुपये। एक मिनट, इतनी जल्दी डेट का ध्यान नहीं रखना, मैंने आपको कहा था डेट का ध्यान रखना। ये है 1 सितंबर 1/9/2019 को। आगे उसने ये कहा, ब्याज प्रतिवर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को देय होता है। देखिए डेट, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए, इस पर जो ब्याज है वो हर 6 महीने बाद प्रतिवर्ष 30 जून को और 31 दिसंबर को साल में 2 बार मिलेगा। बात समझ में आ गई? ओके। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो ये माना जाता है कि जो ट्रांजैक्शन प्रतिभूति का लेन देन किया गया, खरीदने बेचने का काम किया गया है, वो ब्याज सहित हुआ है। ठीक है, तो इसने 1 सितंबर 2019 को जो सिक्योरिटी खरीदी उस पर ब्याज सहित खरीदी होगी। इसका मतलब 1 सितंबर के बाद ब्याज मिलेगा, 30 जून सितंबर से पहले आ जाता, 31 दिसंबर को ब्याज मिलेगा इसे, जिसने बेची है उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्याज सहित लेन देन किया गया है।
यदि कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो लेन देन ब्याज सहित माना जाए। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ब्याज सहित लेन देन हुआ, इसका मतलब ये हुआ। ओके, इसलिए खरीदा उसने 20,600 में, क्योंकि ब्याज भी मिल रहा है उसको, तो ब्याज सहित लेन देन हुआ है। तो 1 सितंबर के बाद ब्याज ड्यू होगा 31 दिसंबर को, और हमारा वर्ष चलता प्रीवियस ईयर, और वो होता है 1/4/19 से 31/3/2020 तक, ठीक है। जून का ब्याज मिलेगा नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी खरीदी इसके बाद थी सितंबर में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक का ब्याज इसको 31 मार्च में मिलेगा। अर्थात इसे जो ब्याज मिलेगा इस वर्ष केवल 6 महीने का ही होगा। आप गलती कर देते 8% लेकर के, इसलिए मैंने कहा डेट का ध्यान दें। 12 महीने का ब्याज नहीं हुआ, केवल 6 महीने का ब्याज हुआ। अब यहाँ पर लिख दीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं, मैं इसको इस तरफ ले रहा हूँ। ये है कौन से, 7वां होगी थी, 8वीं, 8th। ये क्या है साहब? 8% यूपी गवर्नमेंट लोन, 8% यूपी गवर्नमेंट लोन, और ये है लोन 20,000 रुपये वाला। बीस हजार इंटू 8% इंटू 6/12, 1600 की जगह 800 रुपये आपके, चेक कीजिएगा, 800 रुपये ब्याज का ये, ओके। और ये 800 रुपये ही शामिल करेंगे कैलकुलेशन के, 100% में, सॉरी 100% लेंगे। आगे क्या कहता है उसके बाद, ये कमीशन की बात होती है तो बाद में, ओके। अब टोटल कर लीजिएगा अमाउंट का, फाइनल कॉलम का टोटल बोलिए। ग्यारह हजार छियासी रुपये, ठीक है, लेस बैंक कमीशन ऑन कलेक्शन, जो अमाउंट कलेक्ट किया है। अब देखिए कौन कौन सा अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, ये 2160 रुपये, 700 रुपये, 90% वाला लें अभी 4,000 रुपये, नहीं ये 750 वाला भी 90% है, डिबेंचर ऑफ जयपुर स्पिनिंग मिल 750। बोलिए टोटल कीजिए कितना होता, कितना? 7,610। ओके, और जो 100% वाला वो कितना, देखो 100% में एक तो 1500 और एक 800, दोनों का टोटल किया 8,523। चेक करें, ठीक है। ओके, अब ये हुआ, इस पर 2% ले, 7,610 प्लस 2,300 टोटल करें कितना होता है, 11,086 होगा सर टोटल, 11,086 का 2%,
221.72 1176 भी लिया क्या आपने? ये तो नहीं लिया अमाउंट, ये 2160 हो गया, 700 हो गया, 4090% आ गया, 785 नहीं होगा सर, है 1160 नहीं होगा वहाँ पे। ये जो है ना अमाउंट लास्ट का, ये नीचे वाला, ये हाँ, ये इसका टोटल नहीं होगा 7110 प्लस 2300 और सर 9910 सर, आपने 1186 लिखा था ना सर, हाँ। वो अमाउंट टोटल नहीं होगा, आपने कहा था ना कि 7110 प्लस 2300 प्लस करूँ, हाँ इन दोनों का टोटल होगा 9910 रुपये, 9910 रुपये, ठीक है। अब 9910 का 2% कमीशन सर, 198.2 ओके, ये हो गया कमीशन, ये आप लेस कर दें इसमें से, लेस 198 को 0.2 को हटा दें, 198 माइनस 198 एक तो ये होगा, लेस अगेन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक से लोन लिया हमने और देखिएगा वो 8% लोन कितना लिया था, इस उद्देश्य के लिए अपने बैंक से 12,000 रुपये का ऋण लिया, 12,000 इंटू 8% 8/100 किस तारीख को खरीदा ये देखिएगा, 1 सितंबर को, तो ये हो जाएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 महीने इंटू 7/12 ये हो जाएगा फ्रॉम 1/9/19 टू 31/3/2020 तक 7 महीने होते हैं, गिनिएगा और बताइए कितना अमाउंट होता है, सर 560 रुपये ये घट जाएंगे। अब बोलिएगा टैक्सेबल इनकम माइनस 198 और 560 343 बोल रहा है, तो ये ब्याज की राशि तो 560 सही आ रही है और 183 और 24 अलग हमने ले लिए हैं, 24 हमने लिए कि नहीं, नहीं लिए हो चुके, 4 3 7 जिसका एक 207 रुपये आना चाहिए अमाउंट, ये देखो 183 घटाए हैं उसने पहले कलेक्शन चार्जेस चेक करो, फिर 24 रुपये उसके लिए हैं कोऑपरेटिव के, ये हमने घटा दिए ऑलरेडी 1176 लिए हैं, तो 207 होना चाहिए। एक मिनट सर, आपने कहा कि 90% का टोटल 7160 रुपये एकदम सही है, 100% का टोटल 7160 नहीं 7610 बताया आपने, हाँ वही 610 रुपये सर, बोलने में गलती हो गई, वो बिल्कुल सही है, और 100% का है 2300 रुपये, बिल्कुल सही है, 2160 7104000 ठीक है, फिर 750 ठीक है, ये टोटल गलत आ रहा, ये और टोटल चेक करो 2160 प्लस 700 ना, प्लस 4000 प्लस 4000 प्लस 750 सर 7610 ठीक है, सही तो है 7610 ये ठीक है, फिर तो इसका इसका 90% लिया जाए ना, 7610 इंटू 90% ये तो ठीक है, ये 7610 इंटू 90% तो लिया, ये गलती हो रही है, 90% लो ना इसका, हाँ तो इसका ये है 6849 हाँ 6849 और 100% वाला है 2300, इन दोनों का टोटल बोले अब ये 6849 और 1500 का
9149 प्लस 1530 में तो 8349। चेक करो भाई, गलत कर रही हो टोटल आप। सॉरी सर, 2300 है ना वो। हाँ 6849 प्लस 2300 जी सर। 9149 इंटू 2% कमीशन बोलो। सर 182.98 तो 183 कर दें, अब घटाइएगा। सर 10343 बस करेक्ट, 10343 ये टैक्सेबल इनकम आपके इस क्वेश्चन के अंतर्गत हुई। इस तरह से इसके कैलकुलेशंस टेकअप किए जाते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के। ये देखिएगा आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम आ चुकी है। नहीं ये नहीं, नेक्स्ट वाली है शायद, इस पर अब हम कल बात करेंगे। इट इज़ सफिशियंट फॉर द डे टुडे एंड विश यू गुड लक एंड थैंक यू।